कैसे प्ले होनी चाहिए ताकि इसमें सुई टच ना हो, इसमें इतनी हल्की सी प्ले होनी चाहिए ताकि इसमें सुई लगे ना। अगर जो सुई इसमें लगेगी दोस्तों वही है कि सुई थोड़ी सी बाहर को आ जाएगी और हमारी जो सिलाई मशीन है वो धागा बहुत मुश्किल से उठाएगी, तो इसका ध्यान रखें इसमें ऐसे प्ले हो। अगर इसमें प्ले नहीं है थोड़ा सा दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ये देखें सिलाई मशीन की जो नीचे वाली लट होती है दोस्तों, इसमें जो है ना प्ले होती है। देखें इसमें क्या होता है, जो कैरल होता है ना, सटल होता है, ये ऊपर नीचे होता है और यहाँ पे देखें, ये देखें कितनी प्ले है, और इसमें देखें सटल में दोस्तों ये कितनी आवाज़ करता है। इसको कैसे कम करेंगे दोस्तों, इसको यहाँ से पहले खोल लेंगे, इसके दोनों पेज खोल के, ये दोनों पेज खोल लेंगे ऊपर नीचे के, ये दोनों पेज खोल लेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे खोल के, ठीक है दोस्तों। ये निकाल लिया और अब देखिए ये कितनी प्ले है इसमें, दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर है जो बिहार से है, उन्होंने हमारे पास एक वीडियो भेजी है, उनकी जो कैरल है ना उसमें एक तो सुई लग रही है और नीचे की जो है काफी प्ले है, तो उन्होंने हमारे पास एक वीडियो भेजी है, सबसे पहले तो आप वो वीडियो देखिए। आतिफ भाई ये कैरियर की रॉड की प्ले कैसे खत्म होगी, सुई में टकरा रही है, सुई में प्ले खत्म नहीं हो रही, सुई को ढकेल रही है, सुई को आगे कर रही है, सुई में टकरा रही है, दोस्तों आपने वो वीडियो देख ली होगी, वो ही सेम प्रॉब्लम मैं आपको इसमें ठीक करके बताऊंगा कि कैसे ठीक करनी है, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को काटना मत ताकि समझ में आपके अच्छे से आए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि हमारी और भी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखें तो क्या करना है सबसे पहले दोस्तों, इसकी जो प्ले है ना ये कैसे कम होगी, यहाँ पे एक पिन लगी हुई होती है, ये जो पिन है ना, अब जहाँ पे हमने कैरल सटल सेट कर रखा है ना, ये पिन जो है वहीं पे लगती है सेट करके। अब हमें क्या करना होगा, इसको क्या करेंगे हम, जैसे पिन को निकाल लेंगे, पिन को निकालने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको क्या करना है, जैसे इसको पिन को निकाल लेंगे, ये निकाल लिया हमने पिन, ठीक है दोस्तों। और इसका जो है नी देखिए यहाँ से इसको ऐसे कर लेंगे और यहाँ पे इसको ऐसे दबा लेंगे और यहाँ पे ऐसे चोट मारेंगे, ये देखिए मशीन थोड़ी जाम हो गई है क्योंकि ये देखिए प्ले इसमें हल्की सी है, पहले ज़्यादा थी, काफ़ी आवाज़ कर रही थी। अगर आपको इसकी प्ले निकालनी है ना दोस्तों, तो यहाँ से ऐसे करेंगे इसको, यहाँ से ऐसे पकड़ लेंगे, हाथ से ऐसे दबाएंगे अंदर को और इस पर ऐसे चोट मार लेंगे और इसकी प्ले बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ये देखिए हल्की सी प्ले है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बिल्कुल जाम कर देंगे तो क्या होगा, मशीन हमारी जाम हो जाएगी, भारी हो जाएगी, ये इसकी प्ले यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और इसकी जो है ना पिन फिर ऐसे ही लगा लेंगे जैसे हमने निकाली थी, ऐसे ही इसको लगा लेंगे, ठीक है, ये हो गया दोस्तों। नंबर एक बात, अगर ये सुराख भी आउट हो जाता है ना, जैसे आप इसकी पिन लगाओगे और इसका सुराख आउट तो होना ही है, क्यों, क्योंकि इसका सुराख हमने पहले ही मिला के कर रखा है, तो आपको पिन ये यहाँ पे नहीं लगने की, फिर आपको दोबारा सुराख करना होगा, कहीं पे भी कर ले, यहाँ पे कर ले या फिर नीचे साइड में कर ले, इसकी प्ले ख़त्म करके यहाँ पे कर ले सुराख या फिर ऊपर कर ले और दोबारा से पिन ठोक दे इसमें शटल का मिलान करके अच्छे से। नंबर एक बात तो ये होगी दोस्तों। अब वो जो मशीन है उसमें जो है ना यहाँ पे सुई लग रही है इसमें, जैसे आपने देखा होगा ना यहाँ पे इसमें सुई लग रही है, यहाँ क्या होता है जब इसमें सुई लगती है दोस्तों, ये सुई जो है बाहर को आ जाती है ऐसे, जब इसमें सुई लगती है ना तो ये सुई जो है कैरल जो है ना सुई को बाहर को कर देता है और ये सटल से जो है टच नहीं हो पाती, जैसे हम सिलाई करते हैं टाप मारती है बार बार, तो ये इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको जो है ना थोड़ा सा नीचे को दबा लेंगे ऐसे, जितना भी हमारा जो है सुई लग रही है, बस सुई इसमें टच नहीं होनी चाहिए, इसमें हल्की सी ऐसे प्ले होनी चाहिए ताकि इसमें सुई टच ना हो, इसमें इतनी हल्की सी प्ले होनी चाहिए ताकि इसमें सुई लगे ना। अगर जो सुई इसमें लगेगी दोस्तों वही है कि सुई थोड़ी सी बाहर को आ जाएगी और हमारी जो सिलाई मशीन है वो धागा
बहुत मुश्किल से उठाएगी, तो इसका ध्यान रखें इसमें ऐसे प्ले हो, अगर इसमें प्ले नहीं है थोड़ा सा इसको नीचे को ऐसे यहाँ चोट मार के ऐसे दबा लें, ये हो गया। तो इसके बाद जो है ना दोस्तों, जैसे मैंने आपको इसकी प्ले के बारे में बताया और इसको शटल को फिर दोबारा से लगा लेंगे, इसको यहाँ पे करेंगे बीच में और दोनों पेंच इसके टाइट कर लेंगे। दोनों पेंच टाइट करने के बाद फिर जो है ना इसकी सिलाई बिल्कुल झकास आएगी, ये होगा दोस्तों। इसको चला के देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करना दोस्तों। दोस्तों अगर आपकी सिलाई मशीन में कोई भी प्रॉब्लम है उसकी वीडियो बनाकर मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, ऐसे ही वीडियो बनाकर भेज सकते हैं, मैं आपको जो है समझाऊंगा अच्छे से कि कैसे ठीक करनी है। ठीक है दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।